देखिए, उद्योगों पर कटौती की मार है। प्रदेश में गहराए बिजली संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जयपुर डिस्कॉम ने जारी किया आज से कटौती का शेड्यूल। डिस्कॉम प्रशासन ने एरियावार तय किया है कटौती का शेड्यूल। आज शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक इलाकों में बिजली कटौती होगी। बुधवार गुरुवार को कोटा भरतपुर जोन, टोंक दौसा बहरोड नीमराणा और जयपुर सिटी सर्किल के इंडस्ट्री एरिया में कटौती होगी बिजली की। शुक्रवार शनिवार को अलवर जिले एमआईए ओआईए राजगढ़ खैरथल केजी बास थानागाजी और तिजारा औद्योगिक इलाकों में बिजली कटौती होगी। सोमवार मंगलवार को खुशखेड़ा कारोली सलारपुर चौपानकी कहरानी पथरेड़ी सरायखुर्द और जयपुर ग्रामीण के एरिया में कटौती होगी। वहीं रविवार की बात करें तो रविवार को कटौती से मुक्त रहेंगे औद्योगिक एरिया। हालांकि कटौती के वक्त सतत प्रक्रिया में चलने वाली इंडस्ट्री कैप्टिव पावर प्लांट्स को 50% लोड पर चलाने की छूट दी गई है। इसके साथ ही साथ अन्य इंडस्ट्री में 5% का लोड अलाउ किया जाएगा। तो देखिए, प्रदेश में गहराए है पावर क्राइसिस पर। जयपुर डिस्कॉम अलर्ट पर है। शेड्यूल बिजली कटौती लोड मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। डिस्कॉम MD RN कुमावत के निर्देश पर शुरू किया गया है कंट्रोल रूम। 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा मुख्यालय पर कंट्रोल रूम। अधीक्षण अभियंता को बनाया गया है कंट्रोल रूम का इंचार्ज। RUVNL और LG के साथ कंट्रोल रूम समन्वय रखेगा और किसी भी आपात स्थिति में लोड मैनेजमेंट के लिए निर्देश दिए गए हैं। और विकास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्योंकि कटौती की बात यहां पर सामने आ रही है, लेकिन इस कटौती को किस तरीके से देखा जाए? क्या मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई है या फिर अब क्योंकि आने वाले समय के लिए ये मुसीबत का सबब हो सकता है? फिर आप देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश भर में इस वक्त बिजली का बड़ा संकट है और ये संकट इसलिए है क्योंकि जिस अनुमान को लगाया गया था कि बरसात का सीजन जो है अगस्त में रहेगा, लेकिन अगस्त में पूरे अगस्त की बात करें, अगर आप 24 दिन की बात करें पिछले 24 दिन की, तो बरसात की पूरी तरह से बेरुखी सामने आई थी, जिसके चलते बिजली जो बुआई हुई है, जब अच्छी बुआई उम्मीद थी वो अच्छी बुआई तो हुई है, लेकिन उसके अनुरूप बरसात नहीं आई। तो इसलिए अब बरसात के बजाय भूमिगत जल के जरिए सिंचाई जो है वो की जा रही है, जिसके चलते एकाएक बिजली की डिमांड जो है बढ़ गई है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि राजस्थान के इतिहास की हाईएस्ट बिजली की आपूर्ति इस वक्त बिजली कंपनियों की तरफ से की जा रही है। उसके बावजूद भी बिजली संकट बना हुआ है, जिसके चलते लोड मैनेजमेंट के लिए बिजली कटौती करना जरूरी हो गया है। इसी को देखते हुए 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि कोशिश की जाए कि इंडस्ट्री में कट लगा करके मैनेज किया जाए लोड को, और उसके बावजूद अगर लोड मैनेजमेंट नहीं होता है तब जाकर के लोग उपभोक्ताओं को सूचना दे करके संकट की दिक्कतें बता करके फिर बिजली कटौती की जाए। पूरे तमाम तरह की चीजों के बावजूद अब कल पूरे डिस्कॉम प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया, साथ में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो कि समन्वय करेगा, क्योंकि बिजली कटौती का काम जो है LD का होता है, लेकिन लोड मैनेजमेंट का काम है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का होता है। तो दोनों के बीच में समन्वय रहे और साथ में तत्काल प्रभाव से डिस्कॉम के अधिकारी जो है उस आदेशों की पालना करें। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए पूरा कंट्रोल रूम शुरू किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। 3 शिफ्टों के अंदर कंट्रोल रूम काम करेगा, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग मुख्यालय पर MD स्तर के अधिकारियों को दी गई है, जो कि रोजाना डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, साथ में हाई लेवल पर अपनी रिपोर्ट भी करेंगे कि किस तरह से क्या स्थिति राजस्थान के अंदर बिजली संकट को लेकर बनी हुई है। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।